मावली कस्बे में लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास महाराज भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के मतदान प्रचार के लिए मावली पहुंचे। नगर भ्रमण वाड़ी वाले हनुमान जी पुराने बस स्टैंड से शुरू होकर मावली मुख्य बाजार में होकर तहसील रोड होते हुए मावली गांव के अखाड़े पर यह रैली संपन्न हुई। महंत ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि जिनके नेतृत्व में प्रभु श्री राम का मंदिर बना उन्हें आप कमल पर वोट देकर विजय बनावे। इस जनसंपर्क में मावली विधानसभा संयोजक रोशनलाल सुतार, मावली मंडल अध्यक्ष कैलाश गाडरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल खटवत, पूर्व प्रधान सुशील ओस्तवाल, विधानसभा प्रवासी प्रभारी लक्ष्मीकांत जांगीड़ सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ये दास राम जी का दास है, भारत का पुत्र है और धर्म नगरी अयोध्या से भगवान श्री राम के चरण से चित्तौड़गढ़ पधारा है। उदयपुर की पावन धरा पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा में हम आए हैं और सनातनियों से संवाद कर रहे हैं। चुनाव के बारे में क्या कहना आपका? पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके जितने व्यूवर्स हैं, जितने दर्शक हैं, मैं धर्मनगरी अयोध्या से मैं महंत राजूदास आया हूं सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए और भारत को राम राज्य बनाने के लिए। राम राज्य का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सीपी जोशी जी के कंधा से कंधा मिलाकर सनातनियों के पास निवेदन करने आए हैं, करवत प्रार्थना करने आए हैं। अब की बार चूकना मत, अगर एक भी वोट गाय खाने वाले को चला गया तो दुर्भाग्य की बात है, एक वोट आतंकवादियों के पास चला गया तो दुर्भाग्य की बात है। आप सभी सनातनी सभी राम भक्त से अपील है कि एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, सारे वोट मोदी जी को मिलना चाहिए और भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर कैसे हम जल्दी निर्माण कर पाएँ, भारत को विश्व पटल पर कैसे स्थापित कर पाएँ, इसके नाते एक एक वोट कीमती है और आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप घरों से निकलें, मतदान स्थल पर जाएं, सबसे पहले मतदान करें, फिर स्नान करें, फिर जलपान करें और भगवान श्री राम के चरण कमल में कमल का पुष्प समर्पित करें। इसके नाते हम यहाँ पर आकर और सनातनियों से संवाद किया। धन्यवाद साहब।